दोस्तों, अगर आप ही अपने टाटा स्काई सेटअप बॉक्स को अपने मोबाइल से चलाना चाहते हैं, या फिर मैं कहूं कि अपने मोबाइल को टाटा स्काई सेटअप बॉक्स का रिमोट बनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं डिकोड मनीष। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम अपने इस मोबाइल को कैसे हम टाटा स्काई का रिमोट बनाएंगे, या फिर कहेंगे कि कैसे हम इसे रिमोटली अपने टाटा स्काई सेटअप बॉक्स में यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो सेटिंग्स है या इसका जो भी प्रोसीजर है, वो तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये किन फोन्स के अंदर काम करता है। तो देखिए दोस्तों, जिन फोन के अंदर भी आयर ब्लास्टर, आयर सेंसर या फिर आयर डिटेक्टर जैसा ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, आपके फोन के अंदर इस तरीके का एक सेंसर होना चाहिए। आपको अगर नजर आ रहा हो तो ये देखिए पॉइंट्स, ये पॉइंट यहाँ पे इस तरीके का एक सेंसर होना चाहिए। अगर ये आपके फोन के अंदर ये सेंसर है, चाहे वो किसी भी नाम से हो सकता है, आयर सेंसर्स भी हो सकता है, एयर सेंसर, अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो एयर सेंसर्स के नाम से होगा, अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो आयर सेंसर, आयर डिटेक्टर या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन डिटेक्टर या इंफ्रारेड रेडिएशन एयरप्ले, कुछ किसी भी नाम से ये सेंसर्स हो सकता है। बट इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपके टॉप के आपके फोन पे ये सेंसर दिया होगा। बस अगर आपके ये सेंसर दिया हुआ है तो आप समझ सकते हैं, आप मतलब समझ जाइए कि ये आपका टाटा स्काई, मतलब आपका जो सेटअप बॉक्स है, आप रिमोटली इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं, जिन फोन्स के अंदर ये ऑप्शन होगा, चाहे आप आयर ब्लास्टर कर लें, एयर प्ले कह लें, या आयर सेंसर डिटेक्टर कर लें, या आयर डिटेक्टर कह लें, जिन फोन्स के अंदर भी ये ऑप्शन दिया होगा, सिर्फ वही लोग या कहूं वही फोन के यूजर्स की आप रिमोटली अपने टाटा स्काई सेटअप बॉक्स को यूज कर सकते हैं रिमोटली। और आप चाहे कितनी भी सेटिंग्स कर लें अपने फोन में, कितने भी ऐप इंस्टॉल कर लें गूगल प्ले स्टोर से, ये काम नहीं करेगा। तो ये मैं मान के चलता हूं कि ये आपका जो इतना भी कॉन्सेप्ट है, ये सारा आपका क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं आगे कि इसकी सेटिंग्स कैसे करेंगे और इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि हम कैसे अपने मोबाइल को रिमोटली यूज करेंगे, हम स्टेटस का सेटअप बॉक्स का रिमोट बना के। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा और इसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा टाटा स्काई सेटअप बॉक्स आप देख सकते हैं, मैंने अपने मॉनिटर में कनेक्ट कर रखा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने इसे कैसे कनेक्ट किया, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तो देखिए दोस्तों, अब बात आती है कि ये जो हमारा टाटा स्काई का रिमोट जो काम करता है, वो हमारा मोबाइल भी हमारा रिमोटली काम करना चाहिए। तो इसे हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको अपना फ़ोन ऑन कर लेना है। फ़ोन ऑन करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च कर लेना है टाटा स्काई रिमोट कंट्रोल। ठीक है, ये ऐप है, ये देखिए मैं इसका, हाँ ये देखिए, ये वाला टाटा स्काई रिमोट कंट्रोल, इसको ओपन कर लीजिए और इसे इंस्टॉल कर लीजिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट क्लिक करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना आप, और उसके बाद यहाँ से इसे ओपन कर लेना। ठीक है, अब देखिए, ये जो टाटा स्काई का रिमोट है, अब मैं आपके सामने ये इसे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे रिमोट दे दिए हैं इसने, रिमोट 1, रिमोट 2, रिमोट 3, रिमोट 4। ठीक है, अब हमारे पे यहाँ को हमें यहाँ पे चूज करना है कि हमारा जो रिमोट है वो कौन सा रिमोट है, रिमोट 1 है, रिमोट 2 है, रिमोट 3 है, रिमोट 4 है, या सो ऑन है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए, ये रिमोट 1 हमें ये दे रहा है, जो ये वाला रिमोट दे रहा है, तो ये हमारा रिमोट नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। रिमोट 2 पे क्लिक करते हैं तो देखिए, ये भी हमारा रिमोट नहीं है। रिमोट 3 पे क्लिक करते हैं तो जी हाँ, ये हमारा रिमोट है, सेम टू सेम है। अब इसे क्या करना है, आपको सिंगल टैप कर लेना है, सिंगल बस। तो जैसे अब मैं देखिए, ये रिमोट आपके सामने यहाँ रख दे रहा हूँ या यहाँ पे रख देता हूँ, जिससे आपको शक ना हो कि कहीं मैं अपने रिमोट से काम कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब मैं अगर इसे यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, तो आप देखिए, आपको कोई सेटिंग नहीं करनी, सिर्फ ये टैप कर लेना, सिंगल टैप में और कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आपको, आपने अपना ऐप इंस्टॉल कर लिया, आपको अपने मोबाइल डेटा ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ना तो मोबाइल डेटा ऑन करने की ज़रूरत है और ना ही आपको अपना वाईफाई ओपन करने, मतलब
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना तो आपको अपना मोबाइल डेटा ऑन करने की ज़रूरत है, ना ही आपको वाईफाई से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप सब कुछ बंद करके और सिंगल टैप पे भी इसे ओपन कर सकते हैं। बस आपको ये एक बार इंस्टॉल कर लेना है और जो आपका रिमोट है इसे, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा रिमोट 3 था, मैंने इसे टैप करा, सिंगल टैप करना है, बस आपको सिंगल टैप करते ही ये खुल जाएगा। ठीक है, आपको कोई पेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक अपना आप काम करने लग जाता है। अब देखिए मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। अगर मेरे को इसको चैनल चेंज करना है तो देखिए, मैं ये देखिए यहाँ पे है, आपके सामने प्लस का साइन कर रहा हूँ, ये देखिए चैनल आपके सामने चेंज हो रहा है और मेरा जो ओरिजिनल रिमोट है वो टाटा स्काई का, वो मैंने वहाँ पर रखा हुआ, ये देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए चेंज होते जा रहे हैं, आप नज़र भी आ रहा होगा आपको। और ये वाइब्रेट करता है, देखिए चैनल चेंज हो रहे हैं साथ के साथ। अब अगर इसकी वॉइस बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए वॉइस बढ़ा सकते हैं आप। मैं ये वॉल्यूम पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब जिस तरीके का रिमोट, जैसे ये रिमोट आपका काम करता है, ओरिजिनल रिमोट जो काम करता है एज इट इज़, आपका ये ये आपका मोबाइल रिमोट भी काम करेगा। अब देखिए मैं यहाँ से अगर इसको देखिए, अभी आप मेरा ही स्टैंड बाय पे, मतलब मेरा टाटा स्काई सेटअप बॉक्स ऑन है, अगर मैं इसे ऑफ करना चाहूँ तो ये देखिए मैं रेड कलर का मेरा ये रिमोट देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, कहीं आप ये सोचें तो, ये देखिए यहाँ से इसको मैं प्रेस कर दूंगा और ये ऑफ हो जाएगा, और अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा तो दोबारा से प्रेस कर दूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोन को रिमोटली, आप अपने टाटा स्काई का रिमोट बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने कैसे अपने फ़ोन को एक टाटा स्काई का रिमोट में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप समझ चुके होंगे कि हम अपने रिमोट, तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि आप अपने मोबाइल को कैसे अपने टाटा स्काई का रिमोट बना सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।